हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बॉयलर से रिलेटेड एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है पावर प्लांट इंटरव्यू में। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का डिफरेंट कारण क्या क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कि एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का डिफरेंट कारण क्या क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों जानकारी लेंगे। तो इसका ऊपर पूरा जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। नंबर वन में सडन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बॉयलर। ओके, यदि बॉयलर सडनली लोडिंग या अनलोडिंग हुआ, लोडिंग अनलोडिंग मीन्स, लोडिंग मीन्स यदि स्टीम डिमांड एक बॉयलर का सडनली बढ़ जाता है या स्टीम डिमांड सडनली कम हो जाता है यानी कि अनलोडिंग, तो उस टाइम में क्या होगा ना, एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होगा। तो चलिए अभी देखते हैं नंबर टू में। नंबर टू में फ्लक्चुएशन ऑफ स्टीम प्रेशर। ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ स्टीम प्रेशर, यदि स्टीम का प्रेशर फ्लक्चुएशन हुआ तो उसके कारण भी आपका जो बॉयलर का ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएट करेगा। ओके, नंबर थ्री में सेफ्टी वाल्व सडन पॉप अप। सेफ्टी वाल्व सडन पॉप अप, बॉयलर में जो सेफ्टी वाल्व लगा है यदि उनमें से कोई भी एक सेफ्टी वाल्व पॉप अप किया तो उसके कारण आपका जो बॉयलर का ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएशन होगा। अब तक जो मैं तीन ठो कारण बताया एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का, इसमें क्या होता है ना, आपका जो प्रेशर है ये वेरिएशन होने के कारण ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होता है। ओके, तो प्रेशर जब आपका कम हो जाएगा, ओके, यानी कि मान लीजिए स्टीम डिमांड आपका बढ़ गया, तो स्टीम डिमांड बढ़ गया मीन्स आपका मान लीजिए प्रेशर कम हो गया, यानी कि एक टरबाइन से कनेक्टेड है, टरबाइन का लोड को आप बढ़ा दिए जिसका मान लीजिए 87 प्रेशर मेंटेन करना था इनलेट में, लेकिन आप उसका प्रेशर को 85 मेंटेन कर रहे हैं, स्टीम फ्लो बढ़ा दिए, तो उस टाइम में क्या होगा ना, जो बॉयलर का ड्रम का प्रेशर भी कम हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो प्रेशर कम होने से इवेपोरेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका ऊपर ऑलरेडी मैं एक बढ़ाया हूँ, एक तो बनाया हूँ एक वीडियो कि स्वेल और सिंकेज कैसे होता है जब हम लोगों स्टार्टअप वेंट को ऑपरेट करते हैं या कोई भी सेफ्टी वाल्व जब पॉप अप होता है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा ना, आपका प्रेशर कम होने से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ने से आपका जो ड्रम लेवल है फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि वो पॉजिटिव कुछ इंस्टेंट समय के लिए वो क्या होगा ना, टूवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा। जब आपका लोड डिमांड कम हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए 85 प्रेशर हो गया था, तो आप क्या करेंगे ना, प्रेशर को 90 या 92 बढ़ा देंगे, यानी कि टरबाइन का लोड को आप घटा दिए, कंट्रोल वाल्व को बंद कर दिए, तो प्रेशर इधर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा ना, श्रिंकेज इफेक्ट होगा। ओके, तो क्या होगा ना, ड्रम लेवल कुछ इंस्टेंट समय के लिए टूवर्ड्स नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ड्रम के अंदर में आपका प्रेशराइज होने के कारण और इवेपोरेशन रेट कम हो जाने के कारण
तो आपका कुछ समय के लिए जाएगा, ये नहीं कि बहुत समय के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए क्या होगा ना, आपको वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, ड्रम लेवल टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है करके। तो प्रेशर वेरिएशन होने से एक बॉयलर का ठीक इसी तरह से ही उसमें जो आपका स्वेलिंग और सिंकेज इफेक्ट होता है, जिसके कारण आपका ड्रम लेवल जो है वो फ्लक्चुएट होता है। ओके, तो अभी चलिए हम लोग जानेंगे नंबर फोर में क्या कारण हो सकता है एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का। नंबर फोर में ड्यू टू प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। ओके, तो एक बॉयलर का ड्रम में प्राइमिंग और फॉर्मिंग, इसका ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि प्राइमिंग क्या होता है और फॉर्मिंग क्या होता है, तो अभी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, प्राइमिंग में क्या होगा, जो मॉइस्चर रहता है यानी कि वाटर बबल्स, वो कुछ कैरी ओवर होके चले जाता है किसके साथ, आपका स्टीम के साथ। ओके, तो उसको हम लोगों प्राइमिंग कहते हैं। अब फॉर्मिंग में क्या होगा ना, हम लोगों जो भी केमिकल डोजिंग देते हैं वो ड्रम का इनसाइड में जो वाटर लेवल रहता है उसका टफ सरफेस में क्या होता है, वो फॉर्म टाइम का हो जाता है वो। ओके, फॉर्म तो उस टाइप का हो जाता है। और ये भी क्या होता है ना, जो स्टीम आपका इवेपोरेट होता है वो उसके साथ में भी सुपर हीटर कोयल को कैरी ओवर होता है। ओके, तो इसके कारण, ये दोनों के कारण क्या होगा ना, आपका जो ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएशन होता है। तो प्राइमिंग और फॉर्मिंग में ये दोनों के कारण एक बॉयलर का ड्रम लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। ओके, प्राइमिंग फॉर्मिंग ये दोनों भी आपका जब बॉयलर का डिमांड हाई लो रहता है वो चीज़ का ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्राइमिंग कब होगा, फॉर्मिंग कब होगा। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे नंबर फाइव में क्या है कारण। नंबर फाइव में फेल्योर ऑफ ड्रम लेवल कंट्रोलर। तो ड्रम लेवल कंट्रोलर जो या कंट्रोल वाल्व जो होता है, यदि वो फेल्योर हो गया उसके कारण क्या होगा ना, एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होगा। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो कंट्रोलर या कंट्रोल वाल्व है ये माल फंक्शन करता है, जिसके कारण आपका ड्रम लेवल भी फ्लक्चुएशन होता है। ओके, तो अभी चलिए हम लोगों जानेंगे नंबर सिक्स में क्या कारण हो सकता है। नंबर सिक्स में पासिंग ऑफ ब्लो डाउन, बीडी लिख दे रहा हूँ सटर्ड में, ब्लो डाउन वाल्व। यदि ब्लो डाउन वाल्व वो सीबीडी हो गया, आईबीडी हो गया, यदि उसमें से पासिंग हो रहा होगा तो उसके कारण भी आपका जो ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएशन होगा। अभी नंबर सेवन में हम लोग कौन जानेंगे क्या हो सकता है एक बॉयलर ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का कारण। नंबर सेवन में है अनकंट्रोल्ड फायरिंग रेट। ओके, यदि एक बॉयलर में जो हम लोग फ्यूल फायरिंग कर रहे हैं, यदि वो अनकंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उस टाइम में क्या होगा ना, जो बॉयलर का ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएशन होगा। ओके, यानी कि यदि आप एक्सेस अमाउंट में फायरिंग करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, ड्रम लेवल नेगेटिव जाएगा, क्योंकि जो स्टीम डिमांड है वो बढ़ जाएगा, इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। आप जिस तरह से फायरिंग रेट जितना ज़्यादा करेंगे, इवापोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो इसीलिए यदि एक बॉयलर का फायरिंग रेट अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम में आपका जो बॉयलर का ड्रम लेवल है वो फ्लक्चुएशन होगा। ओके, तो नंबर एट में क्या होगा, लीकेज इन ट्यूब और कॉइल्स। ओके, लीकेज इन ट्यूब और कॉइल्स। यदि एक बॉयलर का ट्यूब या जो भी कॉयल है, यदि उसमें लीकेज होगा, तो उसके कारण क्या हो सकता है ना, एक बॉयलर का ड्रम लेवल
फ्लक्चुएशन हो सकता है। ओके, तो ये था डिफरेंट कारण एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एक बॉयलर का ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने का क्या क्या कारण है यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों।